हुए हरण गांव त्रिकोणवाड़ा की पावन धरती दाई में विराजमान समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए यहां पर उपस्थित समस्त सरवारा समाज के मतदाता बंधुओं आप सभी को मैं अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, निरंतर एक वर्ष से इस क्षेत्र में गोंडवाना आंदोलन अपना काम कर रहा था। कुछ लोगों ने शिकायत की कि भाई गोंडवाना ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी के चोर बोलते हैं गोंडवाना ही क्यों। मैं भारतीय जनता पार्टी के चोरों से बोलना चाहता हूं, अगर यहां का विधायक आशीष शर्मा ईमानदारी निष्ठा के साथ इस क्षेत्र का अगर विकास किया होता तो बलबीर सिंह तोमर की आवश्यकता थी क्या? यहां पर देश को आजाद हुए 73 साल हो गए, 73 सालों में इन क्षेत्रों में साथियों पानी की बड़ी भयावह व्यवस्था होती है। 15 सालों तक भाजपा के चोरों ने राज किया, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए और गांव गांव में दारू की व्यवस्था जरूर कर दी हो। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हक और अधिकार की बात करती है, संवैधानिक अधिकारों की बात करती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी केवल एक जातिवाचक शब्द नहीं है। कुछ लोग बदनाम कर रहे थे कि गोंडवाना केवल गोंडों गोंडों की है। अरे गोंडवाना उन सभी लोगों की है जो शोषित है, पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय अत्याचार होता है। अगर आज मुस्लिम समाज का व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो बोले वो आतंकवादी है। गाय कहीं पर ऐसे हो गई तो बनेंगे लोग खड़े हो गए, बोले वो तो ऐसा। इसलिए साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी विचारधारा जो निष्ठावान ईमानदारी चलने वाले गरीबी से जो व्यवस्था देने वाले ऐसे ही जो गरीब है सभी के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी काम करती है। और आप लोगों से वादा करता हूं कि मध्य प्रदेश में आने वाली जो सरकार है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार है। साथी, अभी 2 दिन बाद आपके खाते गांव की पावन धरती में गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जिससे हमारा गठबंधन हुआ है, आजम खान जी, ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी आपकी इस धरती में आने वाले हैं साथियों। और हमारे मुस्लिम समाज के लिए तो बड़े गर्व की बात होगी कि आपका एक ताकतवर भारत देश का एक लीडर आजम खान वो तुम्हारे बीच में आने वाला है, उसको सुनने के लिए जरूर आप लोग वहां पर पहुंचो। तो साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन किया है और बुंदेलखंड क्षेत्र में समाजवादी की बड़ी ताकत है, करीबन 12 से 15 सीटें समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में जीतने जा रही है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बिंद, महाकौशल, मालवा और नीमार इन क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और मैं पूरे गर्व से दावे से कहता हूं जो ऊर्जा खातेगांव कन्नौज में पैदा हुई है यही ऊर्जा मध्य प्रदेश के कोने कोने में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवाओं में आ चुकी है। आज गोंडवाना के केवल ऐसा नहीं कि केवल आदिवासी आदिवासी ही आदिवासी जुड़ा हो, सभी धर्म समुदाय के लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जुड़े। मैं आप लोगों को और बता दूं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अनूपपुर की कोतमा से रामखिलावन तिवारी को टिकट दिया है, सागर से डॉक्टर तिवारी है उनको टिकट दिया है, सभी को सामंजस्य बना के हमने 18 मुस्लिम प्रत्याशी हमने बनाए हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। इसलिए साथियों, सभी धर्म समुदाय का हमने मान सम्मान बढ़ाया है। देश को आजाद हुए 73 साल हो गए साथियों, आप सभी धर्म समुदाय से आपका अपना बलबीर सिंह तोमर, मैं भी एक राजपूत उससे बिलोंग करता हूं, भिंड जिले के चंबल नदी किनारे जीवन यापन करने वाला, लेकिन आपके बीच में आपके हक अधिकार की आवाज मैंने उठाई है। और आप सभी धर्म समुदाय के लोगों से मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और इस क्षेत्र में दारू की जगह यहां पर आपके नर्मदा जल यहां पर पहुंचाना है। साथियों, मैंने संकल्प लिया है कि अगर मोहन पटेल मिके को आप चुनाव चिन्ह आरी के सामने वाली बटन दबा के मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजते हैं तो केवल साल भर के अंदर आपके यहां नर्मदा पाइपलाइन पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में डलवा दूंगा, इतना मैं आप लोगों से वादा करके साथियों जाता हूं। क्योंकि जब इन क्षेत्रों में गर्मियों में आता हूं हमारी बहन बेटियां खून के आंसू रोती है कि साहब 2-2 किलोमीटर पैदल जाके हम लोग पानी भर के लाते हैं, रोडें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की स्वच्छ व्यवस्था नहीं है, लेकिन इन ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में आपको दारू की दुकानें शिवराज सिंह चोर की मुख्यमंत्री की मिल जाएंगी, हर गांव में दारू की दुकानें खोल रखी है। मैं निरंतर दारू की दुकानों का भी मैंने विरोध किया कि अवैध तौर से जो दारू की दुकानें हैं
उनका संचालन बंद कर दिया जाए और मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए सभी सर्वहारा समाज के नागरिक तैयार हो चुके हैं। साथियों, बलवीर सिंह तोमर ने निरंतर अपनी बहन बेटियों के सम्मान का आंदोलन चलाया। आज भारी संख्या में बहन बेटियां हमारे आंदोलन की ओर कूच कर रही है, अपने घरों में ताले लगा देती है कि